हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सारांश वेब पोर्टल और वी कैन से सारांश ई स्कूल योजना या टूल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो सारांश ई स्कूल है ये एक वेब पोर्टल है, लाइक जो डिजिटल ICT के तहत आपने देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे टूल डेवलप किए गए हैं जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एंड इवन स्कूल्स को हेल्प मिल सके। तो ये एक प्रकार का सारांश क्या है, एक टूल है या वेब पोर्टल है। अगर आप जाओगे प्ले स्टोर में तो प्ले स्टोर में आपको सारांश ई स्कूल आपको एक टूल मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक आपको बता दिया मैंने, ये एक वेब पोर्टल है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? CBSE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका जो एम क्या था, प्राइमरी एम था जो इन्फॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको स्कूल में प्रमोट करना। बेसिकली ICT टूल बताया ना मैंने आपको, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या करना, प्रमोट करना था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये KVS के लिए है। KVS इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस वीडियो में जितने मैंने एजुकेशन स्कीम से जुड़े जितने भी स्कीम्स बताए हैं एंड वो जरूर चेक कर लेना। तो ये भी KVS के लिए ही है। तो बेसिकली ICT का यूज़ ज़्यादा हो, ICT का जो यूज़ हो वो ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये टूल डेवलप किया गया था जिससे हम वेब पोर्टल कह रहे हैं और इसका नाम है सारांश ई स्कूल। आपको प्ले स्टोर में इसका मिल जाएगा, पेरेंट्स डाउनलोड कर लेते हैं, बच्चे डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर लेते हैं। किसके द्वारा किया गया था? अभी तो CBSE के थ्रू किया गया था, लेकिन ये जो लॉन्च किया गया था ये आपको पता होगा, 4D मिनिस्टर जो थी पहले स्मृति ईरानी, जिसका नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्टर MOE हो गया है, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 7 नवंबर 2015, यानी 2015 को 7 नवंबर को किया गया था इसको लॉन्च। ठीक है, ये एक प्रकार का टूल होता है जिसपे बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस, जितने भी अलग अलग स्कूल्स होते हैं जो एफिलिएटेड है, यानी CBSE से कहीं ना कहीं जो स्कूल जुड़े हुए हैं, उन स्कूलों का इसमें बच्चों के डेटा दिए रहते हैं, जिससे जो बच्चे हैं, जो बच्चे अपना सेल्फ रिव्यू कर सके। सेल्फ रिव्यू किसका? अपने परफॉर्मेंस का, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक में, उसको रिव्यू कर सके और उसका कंपैरिजन कर सके। तो इसमें पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को, कंपैरिजन कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकता है और बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। बेसिकली देखिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ये है, ये जिससे बच्चे और टीचर जो पेरेंट्स हैं वो भी जान सकेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, इसको ये एक प्रकार का संचार को जोड़ रहा है, कम्युनिकेशन को जोड़ रहा है, किसके बीच में? पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। तो ये विद्यालय से पेरेंट्स को जोड़ रहा है, टीचर्स के साथ पेरेंट्स को जोड़ रहा है। तो ये एक ICT टूल है जिसका काम है कि विद्यालय से पेरेंट्स को जोड़ना और बच्चों के इम्प्रूवमेंट में, लर्निंग परफॉर्मेंस में जो है वो इम्प्रूव करना है। और जिससे क्या होता है कि जो माता पिता है अपने बच्चों के स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कमजोरियां हैं, उसका इवेल्युएशन कर लेते हैं। और जो भी किसके थ्रू, एक डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो प्रदान किया जाता है, जो क्या करता है कि बच्चों के आगे क्या, किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर को देखना है, बच्चों को फ्यूचर का डिसीजन लेना है, ये सब गाइड करता है ये जो डेटा है। उसके बेसिस पे आप पेरेंट्स क्या है, बच्चों के लर्निंग को ध्यान में रख सकते हैं और क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है इन फ्यूचर, उसको भी यहाँ से डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, पेरेंट्स को विद्यालय से जोड़ रहा है, बच्चे अपना सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू मतलब सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं। एंड तो सारांश क्या है, एक टूल है जो कि अलाउ कर रहा है जहाँ भी बच्चों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स के किसी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, अब करिकुलम में क्या चेंज करने की ज़रूरत है वो आइडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, सारांश इज़ अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल इन क्लासेस 9, 10, 11 and 12। तो बेसिकली किस क्लास के बच्चों के लिए, बेसिकली 9, 12, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो भी स्कूल है CBSE से जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड है, उन सभी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं
उनको ये पोर्टल प्रोवाइड किया गया है, ये पोर्टल उनके लिए है ताकि और ये जाके अपने बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख सके और फ्यूचर का निर्णय ले सके, इसलिए है ये। ठीक है, किस लिए है ये? 9th 12th 11th क्लास के लिए है, मतलब 4 क्लासेस के लिए होता है ये। और इस पे जो होता है, इसमें बच्चों के परफॉर्मेंस में, टीचर्स के परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर किया जाता है, और करिकुलम में क्या चेंज करना है ये आइडिया लगता है इससे। तो कब लॉन्च किया गया था ये? 7th नवंबर 2015 में। किसके थ्रू? स्मृति ईरानी का। इसका नाम है सारांश ई पोर्टल, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें पेरेंट्स लॉगिन कर सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल लॉगिन कर सकते हैं, बच्चे अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये इसका आइडिया लग जाता है इसमें। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी स्कीम्स हैं उसकी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट आपको KVS इंटरव्यू प्रिपरेशन करके आपको मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सारे स्कीम्स मैंने वहाँ शेयर किए हैं, एंड ऑल द बेस्ट।